सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि लाइक अभी मैं हूँ नाथद्वारा में। मैं नाथद्वारा आया था किसी रीज़न से, वो काम हो गया मेरा, तो अभी मैं जा रहा हूँ मतलब मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैं किस काम से यहाँ पर आया था वो भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा, उस वीडियो का थोड़ा बहुत पार्ट भी दिखा दूँगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम मंदिर मतलब रास्ते से चलते हुए मंदिर पहुँचते हैं। श्री नाथ जी का मंदिर आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। भाई उनकी कृपा रहेगी तो हम बहुत आगे तक पहुँचेंगे। भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो ये है रास्ता, ये रास्ता सीधा आता है मेन रोड से जहाँ पर बस स्टैंड है। बस स्टैंड से ये रास्ता गया इस साइड में मंदिर के लिए। किसी से भी पूछोगे आपको रास्ता बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे फैसिलिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा बैरिकेड लगा दिया है। यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे, जो कि फेमस मंदिर है यहाँ का, श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ ये है मंदिर का रास्ता और यहाँ से हमारे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जाएंगे, इसलिए बैरिकेड लगा दिए, यही रास्ता होगा। तो अभी हमें श्रीनाथ जी मंदिर के सामने और अभी हमें मिले हैं ये दुकानदार सर, जिनसे हम बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो आपको पता होगा क्यों आने वाले हैं। तो आप नाथद्वारा से जो नाथद्वारा रेलवे स्टेशन से लेकर नाथद्वारा सिटी तक एक नया रेलवे स्टेशन, नई लाइन बनने वाली है, उसी के साथ एक नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर के साइड में, ठीक है, और ये हमें भैया मिले। एक मिनट रुको, आपको पता है कल हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो रीजन पता है आपको क्यों आ रहे हैं? दर्शन करने आ रहे हैं। उसके अलावा भाषण देने भी आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो नाथद्वारा से कम 13-14 किलोमीटर दूर है, तो एक नई लाइन बनने वाली है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, एक वो दूसरा जो नाथद्वारा से देवगढ़ वाली जो लाइन थी ना, वो मीटर गेज थी, तो उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। उससे क्या बड़ी लाइन आ जाएगी, बड़ी गाड़ियाँ आएंगी। तीसरा, हमारा जो उदयपुर का रेलवे स्टेशन है उसको पूरा रीडेवलप करने वाले हैं, नया कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं और ये सारे काम आपके नाथद्वारा में हो रहे हैं? लाइन आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी कल, ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे और उनके दर्शन करने के लिए और ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएगी। तो आपको कैसा लग रहा है? आप बताइए, खुशी हो रही है आपको? खुशी हो रही है, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं श्री बाबा के घर पे। और आप कुछ बताना चाहते हैं उनके बारे में, जैसे ये जो लाइन बन रही है उसके लिए मतलब उसका बेनिफिट बताना चाहते हो? जाम कर दिया है। हाँ, ये तो देखो सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत तो इशू रहेगा, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें, थोड़ा एक दिन का कष्ट तो चलता है। अब आपके शहर में, आपके गाँव में आ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, इधर आ जाओ। सो इस रास्ते से हम जा रहे हैं मंदिर और टाइम तो हो रहा है आई थिंक कितना, 3:12। भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, कुछ वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हम पहुँच चुके हैं श्रीनाथ मंदिर जी के द्वार पर, गेट पर। सो अभी हम पहुँच चुके हैं गेट पे, जहाँ से एंट्री होती है श्रीनाथ मंदिर जी की। यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई है, सारे भक्त लाइन से लगकर दर्शन करने जाएंगे। ये है लाइन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब देखते हैं मंदिर कब तक खुला रहेगा, दर्शन हो जाए बस। ठीक है, बड़ी इस टाइम क्राउड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा शांत है यार, बहुत ही ज़्यादा शांत है। धूप पड़ रही है इस वजह से मतलब ज़्यादा लोग धूप में नहीं निकलते, बट हमें निकलना पड़ता है एज ए ट्रैवलर, एज ए ब्लॉगर हमें निकलना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, हमें शूट करने के लिए निकलना पड़ता है, इसीलिए हम निकले हुए हैं यहाँ पर। सो जूते हमने खोल दिए, अब हम इस रास्ते से आ रहे हैं। इसलिए पीछे वहाँ पर जूते खोल दिए, फैसिलिटी थी जूते खोलने की, वहाँ पर रख दिए। अंदर वहाँ पर जाएंगे, बैग रखेंगे, टोकन लेंगे, उसके बाद में हम मंदिर जाएंगे। मंदिर में मैं भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं होगा, बट जितना होगा उतना तो हम आपको दिखाई देंगे, है ना। सो यहाँ पे भी जूते रख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं बैग और मोबाइल सबमिट कराने, जमा कराने। मोबाइल और बैग अंदर अलाउ नहीं है इसलिए, तो कोई बात नहीं, दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में हम मोबाइल और बैग उठा लेंगे और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इधर पहुंचते हैं जहां पर ये भैया भी जा रहे हैं बैग जमा कराने, मैं भी जा रहा हूं यहां पर जमा होंगे। सो दर्शन तो हो गए हमारे और यहां पर इस टाइम क्राउड ज़्यादा है, मैं दिखाता हूं आपको पहले, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहां पे आप क्राउड देख सकते हो, यहां पर क्राउड बहुत ज़्यादा। उस साइड में झंडे लग चुके हैं क्योंकि कल हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए, और यहां पर क्राउड देखो आप। यहां पे आप जूते चप्पल रख सकते हो, ये फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, और इधर से मतलब ये इस साइड में एग्जिट है, ये वाला रास्ता एग्जिट का है। सो ये एग्जिट है, ठीक है, और यहां पर एंट्री है इस साइड में, सीधा जाके आगे से रास्ता है, तो ऐसा कुछ है। और अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो 350-500 रुपये की रेट में आपको VIP दर्शन हो जाएंगे, डायरेक्ट मंदिर तक लेके जाया जाएगा।
तो हमने तो नॉर्मल दर्शन किए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3:30 बजे मंदिर खुला था, तो 20-25 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं और भीलवाड़ा के लिए निकलते हैं, और कुछ वीडियो भी शूट करनी है जो इम्पोर्टेंट है, उनको भी शूट करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। क्राउड देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं इस साइड में, ये सेकंड रास्ता है, एग्जिट का रास्ता समझ सकते हो आप, इस रास्ते से हम जा रहे हैं बाहर, और हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब लोगों को कैप्चर करें, लोगों को रिकॉर्ड करें, लोगों का रिव्यू लें, बट कुछ लोग एग्री होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, ऑन कैमरा सब सही से बोल नहीं पाते ये रीज़न की वजह से, फिर भी हम ट्राई तो कर रहे हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 12:45, हमारे जो सोनू भाई थे वो चले गए हैं, वो 12 बजे ही निकल गए, मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था, मतलब रेस्ट करने के लिए मैं वहाँ पर रुका था। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कुछ थोड़े बहुत ऑप्शन है, सर आने वाले हैं, सर से मिलने वाला हूँ, सर के साथ कुछ वीडियो शूट करवानी है, वो करवाना है, उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ श्रीनाथ जी के मंदिर चला जाऊँ, दर्शन कर लूँ जाके, आया हूँ तो टाइम निकालूँ दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी के, जो कि फेमस मंदिर है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक मंदिर है, और वहाँ पर कल मोदी जी भी आने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत सीन चल रहा है, तो जैसा होगा मैं लेके चलूँगा। बाकी धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत तेज। बाकी इधर का सीन देखो आप, ये हमारा नाथद्वारा है, नाथद्वारा, और ये मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ है, पेंटिंग बहुत खूबसूरत की गई है यहाँ पर, ठीक है, और ये वो जो है ना वहाँ से रास्ता गया है नाथद्वारा के लिए, मतलब श्रीनाथ जी मंदिर के लिए रास्ता गया है। अभी इस साइड का व्यू देखो जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा है, और इधर ऊपर कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, और इधर ये है हमारा बस स्टैंड, ठीक है, तो हम सोच रहे थोड़ा ऊपर चलें, और वो इसलिए कि लाइक ऊपर से मे भी अच्छा व्यू कैप्चर हो जाए, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऊपर चलें। ऊपर रास्ता दिया गया है, एज ए पार्किंग है, आई थिंक जब फ्यूचर में बस ज़्यादा ऑक्यूपाइड होने लग जाएंगी तब इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। ऊपर भी कुछ दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऊपर, तो उस अकॉर्डिंग इस साइड का ये देखो, यहाँ पे हमारा मतलब सारा, मतलब ये रास्ता गया है नाथद्वारा, ठीक है, नाथद्वारा में हैं हम, ये रास्ता गया है ऐसे घूम के, उधर से निकल गया, और इस साइड में शिव जी की प्रतिमा है सबसे बड़ी वाली, वो धूप की वजह से मैं घरों की वजह से दिख नहीं रही है, अगर हम इस साइड में जाएंगे, नहीं इस साइड में है वो, वहाँ पर है वो, देखो ये जो है ना यहाँ पर है शिव जी की प्रतिमा, जो दूर है थोड़ा। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, और मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ छाव में, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, वो इसलिए आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाइन थी, जो हमारी मावली से मारवाड़ वाली लाइन थी, वो मीटर गेज लाइन थी, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि नाथद्वारा से देवगढ़ वाली कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि देवगढ़ तक ब्रॉड गेज भी है और मीटर गेज भी है, तो यहाँ से नाथद्वारा से मावली तक, नाथद्वारा से देवगढ़ तक इसको ब्रॉड गेज में करेंगे, उसके बाद में वहाँ से एक नई ट्रेन चलाएंगे, रेल बस, और वो बस, रेल बस जो कि मतलब राधा रानी के नाम से रेल बस है, वो आ चुकी है नाथद्वारा, वो जून में उसका ट्रायल होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आए थे कुछ कैप्चर करने के लिए, हमें बुलाया था, तो बहुत सारी वीडियोस कैप्चर करनी थी, तो कुछ हुई हैं और कुछ और करनी है, और कुछ क्लिप मैं आपको भी दिखा दूंगा उस पार्ट में कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। सो ये है नाथद्वारा का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सारी टूरिस्ट वाली बसें मिल जाएंगी, ये जो बसें हैं ये शायद गुजरात से आती हैं, अहमदाबाद गुजरात से GSRTC की बस उस साइड में आती है, और इधर हमारी राजस्थान की बस आती है, और इस साइड में सारी प्राइवेट बस खड़ी है। ये नाथद्वारा का रेलवे स्टेशन है, सॉरी बस स्टैंड है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:52, 5 बजे का टाइम है बस आने का, बस आएगी और बस से हम निकलेंगे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मे बी 7:30 बच जाएंगे हमें घर पहुँचते, फिर भी हम ट्राई करेंगे 2 घंटे में पहुँच जाएं। यहाँ से जो डिस्टेंस है भीलवाड़ा का वो है 100 किलोमीटर, तो ऐसा करते हैं बस आएगी, बस में बैठेंगे और यहाँ से जल्दी से चलेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से भीलवाड़ा के लिए वापस, टाइम हो गया 5 बज गए, 5 बजे ही बस आ गई, वो तुरंत 2 मिनट में निकल भी गई, सीट वेट मिल गई आगे, तो पहुंचते हैं भीलवाड़ा, देखते हैं, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे आई थिंक, 2-2.5 घंटे। तो फाइनली टाइम हो रहा है 7:30 बज चुका है, मतलब 8 बजने जा रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में एंट्री ले ली हमने, और यहाँ की मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है, मतलब बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही है, और वो हम अपने देश के तिरंगे के कलर देख रहे हैं, इसलिए ये देखो, ये अभी रिसेंटली मतलब